हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले ओप्पो A54। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है, कस्टमर का कहना है कि मैंने इसे दो से तीन चार दुकान लेके गया लेकिन ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करें और देखें, तो हमने देखे हम पूरा सेट टेम्पर्ड है। और हमने इसको चेक किया तो CPU जो था वोल्टेज नहीं बना रहा था, लेकिन किसी ने ऑलरेडी पहले ही CPU बना के लगाया था। तो हमने सबसे पहले इसका प्रोसेसर उतार लिया, उसके बाद इसकी UFS चिप भी उतार ली है हमने, चिप भी उतर चुकी है हमारी। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके का सीन है। तो अभी हम इसे पूरे फटाफट मदरबोर्ड को क्लीन करते हैं। वीडियो में अंत तक के बने रहिए, आज ये फ़ोन बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको उसमें प्रोसेस बताती जाएंगी कैसे क्या पार्सल लगाना है। आप नागपुर से है तो बहुत ही बढ़िया है, आप आ सकते हैं डायरेक्ट हमारे पास। दिल्ली, मुंबई, बिहार कहीं से भी देख रहे हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पार्सल लगा सकते हो। तो एक ग्लू पूरा हम क्लीन कर लेते हैं पहले। देख लीजिए, बस क्लीन होने वाला है हमारा मदरबोर्ड। ये एक टैग डैमेज होगी, वो भी बना लेंगे हम। पहले ग्लू क्लीन कर लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले हमने वो टैग तो बना चुकी है, अभी ये पूरा लगा देते हैं, यू भी ग्लू लगा देते हैं जहाँ जहाँ हमारी ट्रैक दिख रही कि हमारा शोल्डर लगे ज़रा सा भी तो, और ये शॉर्ट ना हो उसके लिए हम यू भी ग्लू मार दे रहे हैं सब जगह कि ट्रैक ख़राब ना हो आगे चल के। एकदम आरा वाला काम है यूवी ग्लू भी लगाना, आपको प्रिंट पे नहीं लगाना है, आपको जहाँ जगह जो शॉर्ट ना हो उस जगह लगानी है। देख लीजिए इस तरीके से आपको ग्लू लगाना है। देख लीजिए हमारा पूरा यूवी ग्लू लग चुका है। अब हमें इसे यूवी लाइट की मदद से इसे पूरा सुखा लेंगे। ये सूख चुका है हमारा यूवी ग्लू। अब आ जाते हैं हमारे CPU के तरफ। CPU साफ कर लेना है, सबसे पहले क्लीन कर लेना है CPU। देख लीजिए CPU भी थोड़े थोड़े स्क्रैचेस है उसमें, तो चल जाएंगे वैसे बहरहाल। तो अभी हम इसे रिबॉल कर लेंगे, एक बार PPT लगा लेना है, फिर हिट मार लेना है, फिर दूसरी बार भी सेम प्रोसेस करनी है कटिंग करने के बाद। तो उससे क्या होगा, बॉल इक्वल बनेंगे तो उससे हमारी IC एकदम परफेक्ट बैठेंगी। एक बार और कटिंग कर लेंगे हम। देख लीजिए इधर के दो तीन बॉल बने नहीं है बराबर, अब वो भी बन जाएंगे, तो वो भी हिट मार लेनी है, अब एकदम बढ़िया बन जाएंगे। देख लीजिए बॉल एक जैसे बन चुके हैं हमारे पूरे। अब आ जाती है हमारी CPU लगाने की बारी। CPU भी लगा ही देते लगे हाथ के, पहले रोम बना लेते हैं। चलो ये बना लेते हैं UFS चिप। UFS चिप की भी एक दो प्रिंट उखड़ी हुई है, एक मिनट देखता हूँ मैं बराबर। वो प्रिंट नंद वाली है जो उखड़ी हुई है UFS चिप की, चल जाती है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। UFS चिप बहुत ज़्यादा टाइट निकली है। तो चलिए ये हो चुका है, इसे भी हमें दो बार कर लेना है। एक बार हो चुका है, अब ये सेकंड बार, बस इसके बाद नहीं करना है। हमारी IC की बॉल इक्वल बन जाएंगे इसके भी, तो ये बैठने में बहुत आसानी जाएंगी हमारे को, और फ़ोन अब पता लगेगा रिजल्ट हमें भी। वीडियो में आप यहाँ तक के बने हैं तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, बस रिजल्ट आने ही वाला है गाइस हमारा। तो अभी हम सबसे पहले CPU लगा लेते हैं। CPU का नॉइज जिस साइड है उस साइड ही रखना है हमें। और हिट मार देना है,
ये सीपीयू लग चुका है हमारा। बस ये भी रखने वाली है हमारी रोम। रोम ही बोलता हूँ यार मैं यूएफएस चिप को, रोम का भी काम कर रही है ना हमारा ये, प्लस मेमोरी का भी काम कर रही है, रैम का, और प्लस ये डेटा स्टोर का भी काम कर रही है, इसलिए मैं रोम ही बोलता हूँ उसको बार बार। तो चलिए अब बारी आ जाती है हमारी बारी टेस्टिंग की। हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अगर आपने अभी तक के हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।